हे फ्रेंड्स, तो आज ना मैं आपको सिखाऊंगी कि ये जो फ़ोटो फ्रेम्स है ना, वो कैसे हम हैंग करें। फॉर एग्जांपल, मुझे ये फ़ोटो इस तरीके से हैंग करना है, लेकिन यहाँ पे जो हुक दिया हुआ है वो पोर्ट्रेट में दिया हुआ है ऐसे। तो ये फ़ोटो ना सिर्फ एक ही एंगल में हैंग कर सकते हैं ऐसे, लेकिन मुझे हैंग करना है इस तरीके से। तो वो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किस्म किस्म से ट्राई किया कि किस तरीके से करूँ जो हैंग हो जाए। तो एक मैंने सिंपल सा थ्रेड डाला था इस वुडन फ्रेम के पीछे, लेकिन ये वाला जो है ना वो फेल रहा, कामयाब नहीं रहा। तो अभी ना मैं एक दूसरा प्रोसेस ट्राई कर रही हूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए ये सिर्फ तीन चीज़ें, ओनली थ्री। यहाँ पे हथौड़ा चाहिए, मेजरिंग स्केल चाहिए, और कुछ कील चाहिए जो कि स्क्रू ऐसे वाले जो पतले पतले से होते हैं। तो क्योंकि मैं इस साइड से हैंग करने वाली हूँ ना, तो यहाँ पे दो दो इंच का इस मेजरमेंट लिया है इस स्केल से, और फिर वहाँ पे बिठा के ऐसे पूरा इधर सेंटर में। और फिर आप ना मार्कर से मार्क भी कर सकते हो, या अगर डायरेक्ट, अगर प्रोफेशनल स्टाइल में करना है डायरेक्ट कॉन्फिडेंस के साथ। और अभी इसको ना हल्का हल्का सा थोड़ा मारना है ताकि थोड़ा सा ऐसे फिक्स हो जाए, थोड़ा सा ही अंदर डालना है। और फिर इसे हिला के देखना है कि लूज़ है कि टाइट है। तो ये पूरा ही टाइट है, बिल्कुल नहीं हिल रहा, तो ये परफेक्ट है। और ऐसे सेम ही दो इंच में हम इधर लगाएंगे। तो ये मैंने एक धागा लिया है और इसकी मेजरमेंट ऐसे ली है कि यहाँ से कुछ नहीं आ ही नहीं रहे हैं। और तो ये मैंने धागा लिया है और इसकी मेजरमेंट ऐसे ली है कि यहाँ से दोनों तरफ से इतना इतना स्पेस हो ताकि हम इसको ना गोल घुमा के और इसे बांध पाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बांधती हूँ। धागा ऐसा होना चाहिए जिसकी ग्रिप हो बांधने के बाद, ऐसा नहीं कि बांधने के बाद खुल रहा है तो वो फिर ना आपका फ्रेम गिर जाएगा, क्योंकि ये फ्रेम हल्का सा हेवी है। तो अभी इसको मैंने बहुत टाइट करके बांधा एक बार, और फिर दूसरी बार बांध रही हूँ। आप चाहो तो तीन बार भी बांध सकते हो, ठीक है। अच्छे से खींच के टाइट करना, ये टाइट हो गया। और अभी मैं इस तरफ भी बांध लूँगी सेम स्टाइल में, और इसको ना पूरा सीधा ही रख रही हूँ, क्योंकि जब बाद में टांगेंगे तो फ्रेम ऐसे लटक जाएगा ऐसे। तो पूरा एग्जैक्टली स्ट्रेट करके इसको बांध के फिर मैं आपको हैंग करके दिखाती हूँ। और अभी हमें कोई सी भी टेप चाहिए, और टेप का क्या काम है मैं आपको अभी बताती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा काम है। तो इसको हम दो हिस्सों में काट लेंगे, और ये जो बचा हुआ धागा है इसको काटना नहीं है, ठीक है। इसको कहीं भी ऐसे साइड में रख के आप इसको ऐसे टेप लगा दो। अगर काटोगे तो क्या होगा कि ये धागा छोटा छोटा होके खुल सकता है खुद ही, तो इसलिए ऐसे करके टाइट करके टेपिंग कर दो। और ये हमारा जो फ्रेम है ना वो पूरा रेडी हो गया है। तो साइड से कुछ इस तरीके से दिख रहा है और ऐसे दिख रहा है। अभी इसको हम हैंग करके देखते हैं। और अभी वॉल में मैंने एक हुक लगाया है, और हम इसकी ना चेकिंग करेंगे कि ये हम कामयाब हुए हैं कि नहीं हुए। मैं जस्ट ट्राई कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं भी बहुत परेशान थी, तो ये बस ऐसे ही दिमाग में ख्याल आया, इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है। कहीं इंटरनेट पे आपको ये तरीका नहीं मिलेगा। तो चलो हम ट्राई करते हैं। फ्रेम गिरता है कि हम लोग लटका पाते हैं। कहाँ गया ये? पीछे हुक पे लटका दिया, एंड सक्सेस मिल गया गाइस। बहुत अच्छे से लटक गया है, और साइड से कुछ ऐसा दिखता है और वैसे ऐसा दिखता है। तो आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करना, और कमेंट से बताना आप लोगों को ये तरीका कैसा लगा। घर में बैठे बैठे सस्ते में अपने फ्रेम हैंग कर सकते हो आप। तो अभी यहाँ पे मैंने दीवार में ना मेजरमेंट के साथ ऐसे होल्स कर लिए हैं, और अभी हम डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के फ्रेम्स जो है वो टांगेंगे, और सब में मैंने इस स्टाइल का किया है। तो चलो लेट्स फिनिश, और मैं आपको ना सारा प्रोसेस करके एंड में दिखाती हूँ। तो गाइज ये है फाइनल लुक, और बहुत अच्छे से हैंग हुआ है। साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा लग रहा है। इस तरीके का कुछ लग रहा है, कुछ धागा वागा नहीं दिख रहा और बहुत हल्का सा बस दिख रहा है, लेकिन फ्रंट व्यू में ना बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था सादिया ट्राइस चैनल में, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। और अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। खुदा हाफिज़, बाय बाय।